स्टीव सर, जब से आपने ये बताया ना लाइफ में करना क्या है, तब से कंफ्यूजन सारी क्लियर। एक मिनट, वॉरेन बूफे अंकल का कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी बूफे अंकल, जैसे आपने बोला था ना वैसे इन्वेस्ट किया, जहां बोला वैसे किया है, रिटर्न्स आ रही हैं सर। थैंक यू थैंक यू। मैं अभी स्टीव सर और सचिन सर के साथ बैठा हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। आई कॉल यू बैक। और सचिन सर, मतलब जब से आपने वो स्ट्रैटेजी दी है ना, मैं खेलेगा वो आपकी स्टोरी, मैं खेलेगा, उसके बाद मैंने गिव अप ही नहीं किया, मैं लगा हुआ हूं। सोचो आपको हर रोज अगर वॉरेन बूफे का फोन आ रहा हो, स्टीव जॉब्स और सचिन आपके सामने बैठ के आपको एडवाइस दे रहे हो, बिल गेट्स आपके साथ एसोसिएटेड हो, तो आपकी लाइफ कैसे होगी? सोचो अगर ये सब आपके मेंटर्स हो, आपके गुरु हो, तो आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आएगा। ये है पावर ऑफ बुक्स। बुक्स की वजह से आप दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों की नॉलेज से घर बैठे अपनी कंफर्ट पे हमेशा सीख सकते हो। मैं पिछले 3-4 साल से ऑन एन एवरेज हर हफ्ते एक बुक पढ़ रहा हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि बुक्स की वजह से मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। अब अगर हम रीडिंग की बात करें तो दो प्रॉब्लम्स हैं जो सबको आती है। पहली कि रीडिंग की हैबिट कैसे डालें, कैसे हर रोज इसको अपनी हैबिट में लाएं, और दूसरी कि पढ़ तो रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हर रोज बुक्स के साथ टाइम बिता रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कैसे ले, जो पढ़ा है उसको लाइफ में कैसे उतारे, उसको याद कैसे रखें। अब ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्ड बनाना भी मैंने हफ्ते में 2 बुक पढ़ ली, 1 पढ़ ली, मैंने साल में इतनी बुक्स पढ़ ली, पढ़ते जा रहे हैं। पर्पस ये नहीं है कि मैंने कितनी बुक्स पढ़ी, पर्पस ये है कि मुझे बुक्स से कितना फायदा हुआ। तो 3 चीजें जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। पहली कि हैबिट कैसे बनाएं, रीडिंग की हैबिट आप कैसे बना सकते हो। दूसरी, जो हम पढ़ रहे हैं उसको मैक्सिमम, उससे उसको याद कैसे रखें, उसका बेनिफिट कैसे लें। और थर्ड, एक छोटा सा सीक्रेट जो मेरा और मेरी वाइफ गुंजन का है रीडिंग को लेके, जो आपके भी बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम रीडिंग की हैबिट कैसे डाल सकते हैं। फर्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं, आप ये बताओ कि आपके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है, लेकिन आपके आपको दूसरे कहते हैं कि भाई डिस्प्रिन खा ले, तो क्या उनके कहने पे पेट दर्द के लिए डिस्प्रिन खा लोगे? जागने के लिए क्या नींद की गोली खाओगे कि नींद की गोली खा ली है, मुझे जागना है? लेकिन बुक्स के मामले में हम कई बार ऐसे करते हैं कि दूसरों के एडवाइस, दूसरों के रिव्यूज से चल रहे हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको पता होना चाहिए आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी आपकी नीड है, कौन सा आपका मूड है। सो चूज द बुक एज पर योर नीड। ये नहीं कि लोग कौन सी अच्छी कह रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि यार टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा, मेरे टास्क इधर उधर हो जाते हैं, मैं जो सोचा है वो कर नहीं पाता, टालता रहता हूं, तो आपको जो बुक पढ़नी है वो टाइम मैनेजमेंट पे पढ़नी है। इससे एक फायदा ये होगा कि आपका बुक ढूंढने में जो टाइम है वो बहुत बचेगा। आपको पहले से पता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे बुक पढ़नी है, मेरी कौन सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप अमेजोन पे जाओगे, बुक्स देखते रहोगे, लाइब्रेरी या बुकशॉप पे जाओगे, बुक्स देखते रहोगे, कौन सी बुक लूं, यू आर क्लियर आपको कौन सी बुक लेनी है। सो यू शुड नो आपकी प्रॉब्लम क्या है। दूसरा फायदा, जब आप अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड या अपनी नीड के रिलेटेड कोई बुक पढ़ते हो तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा आता है, आपको रेलेवेंट लगती है, आप उसके अंदर उसको पढ़ते जाते हो, आप बोर नहीं होते, आपका टाइम बचता है, आप ज्यादा पढ़ पाते हो। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एक बात बताओ कि पहले चलना सीखोगे या सीधा मैराथन भागोगे, पहले रनिंग की प्रैक्टिस करोगे या सीधा मैराथन भागोगे, पहले स्टैमिना बिल्ड करोगे या सीधा मैराथन भागोगे। लेकिन रीडिंग की आदत डालने वक्त हम सीधा मैराथन भागने की सोचते हैं कि यार अब मुझे रीडिंग की हैबिट बनानी है, तो सीधा बड़ा गोल बना लिया, कल से ये बुक पढ़नी है, रोज इतने पेजेस पढ़ने हैं, और फिर वो आदत बनती नहीं, सोच सोच ही रह जाती है। यही कारण है कि हम सीधा बड़ा गोल बना लेते हैं। किसी ने कहा लीडर्स और रीडर्स, तो हम तो लीडर बनेंगे, रोज बहुत सारा पढ़ेंगे। किसी मोटिवेशनल वीडियो में हमने देखा भाई किताबें तुम्हारी दोस्त होती, हम तो किताबों से शादी कर लेंगे। ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, कोई भी आदत डालनी हो स्टार्ट स्मॉल, थोड़ी देर पढ़ो, कुछ पेजेस पढ़ो, लेकिन आदत मत छूटने दो, छोटे छोटे गोल से शुरू करो, धीरे धीरे आपका स्टैमिना, आपकी स्पीड, आपकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है, और ये लाइफ लॉन्ग आदत बन जाती है, जिंदगी भर फायदा होता है। रिमेंबर, कोई भी आदत डालनी है तो स्टार्ट स्मॉल। अब आगे हम तीसरे पॉइंट पे, और मेरी लाइफ में रीडिंग को हैबिट बनाने में इस पॉइंट ने सबसे ज्यादा हेल्प किया। मैं बहुत सालों से बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कभी पढ़ी कभी छूट गई, कभी आदत बनी कभी रह गई, लेकिन इस पॉइंट के बाद रीडिंग मेरी हैबिट बन गई। 3-4 साल पहले मुझे किसी ने बताया कि रीडिंग के केस में आप बुक छोड़ दो लेकिन आदत मत छोड़ो। क्विट अ बुक बट डोंट क्विट हैबिट। मतलब आपने कोई बुक शुरू करी, आपको अच्छी नहीं लग रही, तो लीव दैट बुक, कोई और बुक पकड़ लो। कोई और बुक पकड़ी, अच्छी नहीं लग रही, 10वें पेज पे नहीं अच्छी लगी, 30वें पेज पे इंटरेस्ट लूज हुआ या 70वें पेज पे इंटरेस्ट लूज हुआ, क्विट अ बुक बट डोंट क्विट रीडिंग।
ये इसलिए इतना जरूरी है कि जब हमें कोई बुक के साथ इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, रेलेवेंस नहीं आ रही होती, हम मुश्किल से उसको पढ़ते हैं, हमारा अगला दिन मन नहीं करता, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, नेगेटिव होते जा रहे हो, धीरे धीरे आदत छोड़ देते हैं क्योंकि मन को अच्छा ही नहीं लगा, दोबारा करने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो उससे अच्छा उस किताब को छोड़ दो, जो बुक आपको आवाज दे रही है उसके साथ बात करो ना, जो आवाज नहीं दे रही उसके साथ बात मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मोमेंटम बनता है। और आप ये भी देखो, आपने कोई मूवी देखी, मूवी आपको अच्छी नहीं लगी, तो क्या मूवीज देखनी छोड़ दी, क्या मूवीज का इंटरेस्ट छूट गया? नहीं, आपने कहा मूवी अच्छी नहीं थी, छोड़ दो, कोई और देखते हैं। बुक अच्छी नहीं लगी, छोड़ दो, कोई और पढ़ते हैं। लेकिन आदत नहीं छूटनी चाहिए, मोमेंटम नहीं छूटना चाहिए। ब्रेन को हर रोज जिताना है, हराना नहीं है। रीडिंग कर रहे तो और जिताने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? मोमेंटम बना रहे। सो याद रहे ये पॉइंट, क्विट अ बुक बट डोंट क्विट हैबिट। अब आगे हम इस वीडियो के सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे। एक प्रॉब्लम जो सबको आती है, चाहे जिनको रीडिंग की हैबिट है या फिर हैबिट की शुरुआत कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे तो हमारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, पूरे जोश में आ जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी होती है कि ये करना है, वो करना है, कई सारे थॉट्स वो बुक हमें देती है। लेकिन जब वो बुक खत्म हो जाती है, हम अगली बुक पे चले जाते हैं, तो वो सारा टाइम जो है वो मैक्सिमम वेस्ट हो जाता है क्योंकि चीजें रहती नहीं हमारे साथ। जब हमने पढ़ी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लगा अब तो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, पूरे जोश में आ गए, बुक खत्म, धीरे धीरे जोश खत्म। फिर हमने पढ़ी लॉज ऑफ लव, हमें लगा यार अब तो मेरे रिलेशन सॉर्ट हो जाएंगे, रिलेशन में बेस्ट हो जाऊंगा, बुक खत्म, जोश खत्म। रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो लगा अब तो मैं फाइनेंस सॉर्ट कर लूंगा। लेकिन कितनी चीजें हम अपनी जिंदगी में उतार पाए? ये गोल थोड़ी ना था कि बुक्स पढ़ते जाना, गोल तो ये है कि जिंदगी को बदलना है। तो ये प्रॉब्लम मुझे भी बहुत आती थी कि यार इतनी बुक्स पढ़ रहा हूं लेकिन पूरी तरह से फायदा नहीं ले पा रहा। तो बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत लोगों से डिस्कस करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम है मास्टर, जिससे आप किसी भी बुक को मास्टर कर सकते हो। तो क्या है ये मास्टर टेक्निक? आज से आप सीख लोगे, जान लोगे और अपनी लाइफ में उतार लोगे, और एक बुक अगर पढ़ ली लाइफ लॉन्ग उससे फायदा लोगे। M is mark. जब भी कोई बुक पढ़ो, देखो मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, मैं जो करता हूं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जब भी मैं कोई बुक पकड़ता हूं, बुक पकड़ी, पढ़ते वक्त मैं ये स्ट्रेस नहीं ले रहा कि इसमें से क्या क्या मुझे निकालना है, क्या क्या निचोड़ना है, बुक के बाद क्या होगा। पढ़ते वक्त मैं बुक को समझने की कोशिश कर रहा हूं, हाथ में पेन रख के मार्क कर रहा हूं। और अगर आप ई बुक्स पढ़ रहे हो तो वहां पे आपके पास हाईलाइट करने की ऑप्शन होती है। सो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, ट्रिगरिंग लग रहा है, जो आपको हिट कर रहा है, उसको मार्क कर लो। दैट्स इट, मार्क कर लो, राइट? अब कई बार पढ़ते हुए आपके माइंड में कुछ थॉट आएगा कि यार हाँ मुझे इसको ऐसे लेना है। वो थॉट माइंड में ना चलता रहे, वो थॉट आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, इमोशनली एक्टिव ना कर दे, पैसिव ना कर दे। इसलिए अगर बुक है तो बुक के ऊपर वो थॉट हल्का सा लिख दो, कोई नोट लिख दो, ज्यादा बड़ा थॉट आ गया पीछे लिख लो, लेकिन थॉट्स को लिखते जाओ। अगर ई बुक में पढ़ रहे हो तो वहां पे तो आपके पास ऑप्शन होती है ऐड नोट्स, नोट ऐड कर दो। सो एम के बाद आ गया ए, विच इज ऐड नोट्स। अब एम डन है, ए डन है, हमारे पास माँ है। अब आते हैं हम अपने अगले स्टेप पे। अब जब भी हम कोई बुक पढ़ रहे हैं हमें उस नॉलेज को कहीं तो संभालना है। एक तरीका है कि एक नोटपैड, एक डायरी आप बना सकते हो, जो भी बुक से सीखा वहां पे लिख सकते हो। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी इसलिए यूज करता हूं कि बुक गुम सकती है, खराब हो सकती है, लेकिन क्लाउड पे अगर कोई चीज पड़ी है, इंटरनेट पे अगर कोई चीज हमने रख दी तो वो जिंदगी भर हमारे साथ रह सकती है। तो कोई भी नोट टेकिंग ऐप यूज कर सकते हो, मैं एवर नोट यूज करता हूं, आप चाहो तो गूगल कीप यूज कर सकते हो, आप चाहो तो एप्पल के नोट्स यूज कर सकते हो, योर चॉइस। अब उस नोट टेकिंग ऐप में नोट्स कैसे लिखने ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, हमने मार्क कर लिया, नोट्स लिख लिए, जब चैप्टर खत्म होता है, जब उसका कोई एक पार्ट खत्म होता है, अब इसमें से हमारे लिए क्या था? क्योंकि कुछ चीजें होंगी वो सपोर्टिंग होगी, कुछ कहानी होगी जो आपको साथ लेके नहीं जानी, कोई बेस होगा जो आपको रखना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो आपको साथ रखना है, जो आपको लगता है इस चैप्टर में से सबसे जरूरी है। तो एस इज समराइज द पार्ट, उस पार्ट को समराइज करो और उस नोट टेकिंग ऐप में लिख लो। जैसे मैं आजकल बुक पढ़ रहा हूं मेड टू स्टिक, तो अपने फोन में मैं जैसे ही उसका एक चैप्टर खत्म होता है उसको समराइज कर देता हूं, फिर एक चैप्टर खत्म होता है उसको समराइज कर देता हूं। तो ये मेड टू स्टिक का एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर हर चैप्टर की समरी आपको नजर आ रही है। अब जब आपकी बुक खत्म हो गई, आपके पास समरीज हैं, कुछ की टेकअवेज हमेशा हर बुक से निकलते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो एक्साइटमेंट में 10-15-20 नहीं होने चाहिए। इस बुक में से कौन सी वो टॉप 3 चीजें या टॉप 5 चीजें, मैक्सिमम 6-7 चीजें जो मैं मेरे लिए बहुत जरूरी है, जो मेरी लाइफ में इंक्रीमेंटल चेंज ला सकते हैं, एक्सपोनेंशियल चेंज ला सकते हैं। सो एम एस के बाद आता है हमारा टी,
जो हमारी रीडिंग को मस्त कर देगा। तो मस्त हो गए हम, टी इज टेकअवेज। तो आप देखो, जैसे मैंने अपनी इस बुक में समरीज हैं, लेकिन सबसे ऊपर आ गए टेकअवेज। ये चार चीजें मैंने इस बुक में से ली हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डोमिनोज वाला टेकअवे नहीं है जिनके मुंह में पानी आ रहा है, ये है बुक से हमने क्या लिया, बुक से क्या टेक अवे है। अब मस्त हम हो चुके हैं, और मस्त के बाद बहुत इंपॉर्टेंट वो है आर। आर इज द नीड ऑफ द आर, इतना इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आर? अब होता क्या है, जब हमने इस तरीके से बुक पढ़ी, हमारे पास समरीज हैं, टेकअवेज हैं, तो बुक को हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। बुक की रिटेंशन मच मोर बेटर होगी, बुक के बारे में क्लैरिटी मच मोर होगी, यूटिलिटी मच मोर होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि अल्टीमेटली इट्स ह्यूमन मेमोरी, इट्स ह्यूमन रिटेंशन, कुछ टाइम बाद हमें वो भूलना शुरू हो जाएगा। हमेशा तो वो हम याद नहीं रख सकते, इसलिए आर बहुत जरूरी है, विच इज रीविजिट। एक स्केड्यूल जरूर होना चाहिए, एक रूटीन जरूर होना चाहिए कि जिस भी बुक को हमने समराइज किया उसको हम कभी कभी रीविजिट करते रहें। जैसे मेरे स्टाइल से मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, आपको जो सूट करे आप वो करो, कि अगर मैं सातों दिन रीडिंग कर रहा हूं सुबह उठ के, और मैं ये भी बोल दूं कि सुबह उठ के रीडिंग बेटर है। बहुत लोग सोचते हैं रात को सोने से पहले रीडिंग करें, रात को सोने से पहले नींद भी आ रही होती है पूरी तरह, कभी आदत हो जाती है कभी छूट जाती है, तो आदत बनती नहीं है। सुबह उठ के रीडिंग करने की, या काम से पहले रीडिंग करोगे तो आप अलर्ट होगे, एक्टिव रहोगे, आदत बन जाएगी। ये बोनस टिप थी, इसको साइड पे रखते हैं। वापस उस पॉइंट पे आता हूं कि अगर मैं 7 दिन सुबह उठ के रीडिंग कर रहा हूं, तो 6 दिन मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, 7th डे में कोई पुरानी बुक रिविजिट कर रहा हूं। 6 दिन कोई बुक पढ़ी, 7th डे मैंने कोई पुरानी रिविजिट करी। इससे करते करते हम पुरानी बुक्स को साथ रखते हैं, वो नॉलेज हमारे साथ रहती है, वो काम आती रहती है। और रिविजिट करना आपके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि आपके पास टेकअवेज हैं, आपके पास समरी है। थोड़ा टाइम है टेकअवेज पढ़ लिया, ज्यादा टाइम है समरी पढ़ ली, लेकिन जिस बुक पे हमने एफर्ट लगाई है, टाइम इन्वेस्ट किया है, उसका फायदा जिंदगी भर लेंगे। जिंदगी भर उसको इंकल्केट करते रहेंगे, जिंदगी भर एडिशन होती रहेगी, जिंदगी भर ग्रोथ होती रहेगी। वो लाखों मेंटोर्स से, गुरुओं से जो हमने सीखा है उसको साथ लेके चलते रहेंगे। दूसरों की गलतियों से जो सीखा है वो गलतियां हम नहीं करेंगे, दूसरों के एक्सपीरियंस से जो लिया है उससे हम अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करेंगे। सो रिविजिट करना भी बहुत जरूरी है किसी भी बुक को मास्टर करने के लिए। मास्टर टेक्निक याद रखना। अब एक चीज जो मैं और मेरी वाइफ गुंजन करते हैं, जो आपके भी बहुत काम आ सकती है, जरूरी नहीं है उसके लिए आपको शादी करनी है, आप अपने फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, जिसके साथ चाहे कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि कुछ बुक्स मैं पढ़ता हूं, कुछ बुक्स गुंजन पढ़ती है, तो दोनों अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में एक दो बार बैठ के मैंने जो बुक पढ़ी है उसकी समरी उसको बता देता हूं, जो वो पढ़ रही है उसकी समरी मुझे बता देती है। और क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं तो हमें पता होता है ये चीज तेरे ज्यादा काम आ सकती है, ये चीज मेरे काम आ सकती है, और एक हेल्दी डिस्कशन से चीजें रिटेन भी होती हैं। प्लस जो बुक्स उसने पढ़ी उसका फायदा मैंने ले लिया, जो बुक्स मैंने पढ़ी उसका फायदा उसने ले लिया, तो इससे हम अपनी नॉलेज को ऑलमोस्ट डबल कर पाते हैं। और अगर कोई बुक मुझे लगे कि ये तो यार तुझे पूरी ही पढ़नी चाहिए, तो मैं सजेस्ट कर देता हूं कि इसकी समरी नहीं बताता तो पूरी पढ़ ले, एंड सेम वो करती है। तो अब तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप रीडिंग की हैबिट बना सकते हो, कैसे बुक्स को मास्टर टेक्निक के साथ हमेशा के लिए रिटेन कर सकते हो, एंड कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ के आप अपनी नॉलेज को डबल कर सकते हो। और जाते जाते आपको यह बता दूं कि एक एवरेज इंसान साल में 2 से 3 बुक्स पढ़ता है, और लीडर्स, सीईओज, टॉप एंटरप्रेन्योर्स महीने में 4 से 5 बुक पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप इन चीजों को यूज करोगे धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप एवरेज अगर 30 पेजेस हर रोज पढ़ते हो तो आप 1 हफ्ते में 1 बुक को कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता है कि साल के एंड तक आप 20 लाख वर्ड्स पढ़ चुके होंगे। 20 लाख। अब जब 20 लाख वर्ड्स पढ़े होंगे तो कहां हम पहुंच चुके होंगे, क्या बन चुके होंगे, क्या सीख चुके होंगे, क्या लाइफ का मजा होगा, क्या लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे, ये सोच के ही मैं आपके लिए एक्साइटेड हो रहा हूं। सो ऑल आई वांट इज कि आप इस चीज को फॉलो करना शुरू करो आज से ही, अभी से ही। जैसे कि मैंने बोला कि बुक आप हमेशा अपनी नीड के हिसाब से पढ़ो, दूसरों से सुनो समझो, लेकिन चूज अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से करो। सो आज से नई दोस्तियां करो इन किताबों के साथ, इन मेंटर्स के साथ, इन गुरुओं के साथ, और ये दोस्ती हमेशा काम आएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।